उसी दृष्टि से मेरे पास अभी कुछ दिन पहले अपने सुभाष वर्मा जी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने मुझसे बातचीत की और मैंने कहा मैं योगी जी के पास जा रहा हूँ, तो आपसे मैंने उसका विस्तृत ड्राफ्ट लिया और फिर मैं योगी जी से मिल करके इसके बारे में बातचीत की है। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे कई हजार किसान लाभान्वित होंगे, खेती भी होगी, पर्यावरण को भी फायदा होगा और तमाम जो किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। सलाहकार था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो तब हम लोगों के संज्ञान में ये प्रोजेक्ट आया, तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। साहब की हम इसे संज्ञान में लेके आए, सुभाष जी ने इसमें और प्रयास किया। सुभाष जी ने वैसे तो इसे याद दिलाया था कि इस तरह की एक परियोजना। एक बार तो भाई साहब जब मुख्यमंत्री थे अपने टाइम में इन्होंने फैक्ट्री चलाई थी, अगर वो फैक्ट्री ना चलती तो वहाँ का किसान का भूखमरी की स्थिति में आ जाता है। और किसानों का भुगतान किया था वो फैक्ट्री से। और दूसरा ये है जो गंगा माँ को वहाँ को ले जाया जा रहा है वो जीवन दायिनी है, वहाँ पूरा क्षेत्र उसकी जो ब्रांच जाएंगी वो मुंडे वाले से आगे तक लखर देवे तक जा रही है और उससे आगे जो है तानसीपुर में वहाँ जो पहली नहर है उससे पहले से ही, तो ये पूरा जितना भी क्षेत्र है ये सब जितना भी है सिंचित हो जाएगा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा क्षेत्र आपका आभारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आवास पर मौजूद हूं और यहां पर जो किसान हैं उन्हें धन्यवाद करने आए हैं जो उन्होंने परियोजना बनाई है। जो नहर निकलेगी 88 किलोमीटर बताया जा रहा है कि लगभग की नहर बननी है, उसको लेकर यहाँ पर किसान धन्यवाद करने आए थे। उन्होंने क्या कहा है, हरिद्वार सांसद इस बात को लेकर क्या सोचते हैं जानेंगे उनसे कि उन्होंने इस बारे में लेकर क्या कहा, किसानों को यहाँ से जो धन्यवाद किया है किसानों ने उनको लेकर क्या कहा है। चलिए, तो संजीवनी नाम दिया जा रहा है कि काम करेगी इसकी परियोजना, इसको आप कैसे अब एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अखबारों में तो हमने पढ़ लिया, इसको प्लीज आप एक्सप्लेन करें सर। किसान देखिए, हमारा उत्तराखंड का जो हरिद्वार जनपद है और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, उसका एक बहुत बड़ा भूभाग या हम कहें खेती का क्षेत्र है जो सिंचाई से अभी वंचित है, जिसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर उत्तराखंड और लगभग 18,000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश की किसानों की भूमि है। इससे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले अपने सुभाष वर्मा जी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने मुझसे बातचीत की और मैंने कहा मैं योगी जी के पास जा रहा हूं, तो आपसे मैंने उसका विस्तृत ड्राफ्ट लिया और फिर मैं योगी जी से मिल करके इसके बारे में बातचीत की है। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे कई हजार किसान लाभान्वित होंगे, खेती भी होगी, पर्यावरण को भी फायदा होगा और तमाम जो किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार है। अभी ये शुरुआत है, अब इसको हमको आगे बढ़ाना है। सर ऐसी जब ऐसी परियोजनाएं आती हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत दिखाई देती है, लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ी शायद प्रॉब्लम होगी और उसमें भी आपको किसानों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना होगा। देखिए हमारे जो किसान भाई हैं कुछ तो त्याग करना पड़ता है और जब खेती की भूमि ली जाती है तो एक्विजिशन किया जाता है तो किसानों को उसके लिए मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हम अपने किसान भाइयों से अपील करेंगे इसमें सहयोग करें। देखिए अभी वो भूमि अभी एक तरह से उसमें घाड़ क्षेत्र जैसा क्षेत्र है, वो वहाँ पर जो उत्पादन भी होता है तो काफ़ी कम होता है। अगर हमको माना पानी पर्याप्त मिल जाता है तो हम कम भूमि में अधिक उत्पादन ले सकते हैं, हमारी भूमि की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी।
इसको टारगेट कितना रखा है सर आपने, कब तक ये पूरा होने की? देखिए अभी तो देखिए अभी प्रस्ताव गया है और हम और योगी जी हम दोनों मिलकर के भारत सरकार से इसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से लगभग 88 किलोमीटर के करीब ये पूरी नहर होगी, हो सकता थोड़ा ज़्यादा भी हो, तो उसके लिए हम प्रयास करें। हाँ, कितने ग्रामीण क्षेत्रों को यूपी और उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र? देखिए लगभग 33,000 हेक्टेयर भूमि होगी ये, और हजारों की इसमें आबादी है, हजारों किसान। सर लास्ट में सर जब आप सीएम थे तो उस समय कभी जिक्र हो रहा है? उस समय भी हमने प्रयास किया था, उस समय भी डॉक्टर साहब ही मेरे पास इस प्रस्ताव को लेकर आए थे और उस समय भी हमने प्रयास किया था, लेकिन कोरोना के कारण ये फिर आगे बात बढ़ नहीं पाई, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में रुड़की में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं सर, किसानों के स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे हैं, भुगतान को लेकर चल रहे हैं, और आपको जिम्मेदारी है सांसद। देखिए जो किसानों की जो समस्या है, किसान जिस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि किसानों को संतुष्ट करना चाहिए, जांच होना चाहिए कि भाई अगर किसानों को लगता है कि मीटर में गड़बड़ी है या मीटर अधिक चार्ज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसानों को या किसी को भी ओवर चार्ज क्यों दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ओवर चार्ज दिया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। तो सर आज धन्यवाद करने आए हैं रुड़की क्षेत्र से, आसपास क्षेत्र से, उसको लेकर क्या कहेंगे सुभाष वर्मा जी? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बड़ी संख्या में हमारे भगवानपुर, ज्वालापुर, रुड़की और आसपास के किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो मैंने प्रयास किया, उन्होंने उसकी सराहना की और उन्हें उसकी अहमियत को महसूस किया, इसके लिए मैं सब किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी अभी जिक्र किया सबने और डॉक्टर साहब का भी, नरेंद्र सिंह सर का भी, क्या कहेंगे इस परियोजना के बारे में, आप लोगों का कितना योगदान है इन सब चीजों में? क्या है ये क्षेत्र ऐसा है ये इकबालपुर वाला, जिसमें आदमी को हैंडपंप से भी पानी पीने की प्रॉब्लम हो जाती है। हमने देखा है वहाँ का पानी बहुत खराब है और ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। ये नहर निकलेगी 25 से, शायद ये 25 से निकल रही है और नागल तक जा रही है, वहाँ कहीं डिस्पोज होगी। जितना भी घाट क्षेत्र है उस सारे की सिंचाई करेगी, और इसके फिर माइनर भी हैं जो माइनर अलग अलग क्षेत्र में जाकर सिंचाई करेंगे, तो किसान के लिए इससे खुशहाली की बात और कोई हो नहीं सकती। कहीं आप ट्यूबवेल चला के पानी दो और नहर का पानी दो, तो नहर के पानी में उर्वरकता ज्यादा होती है। तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप लोकल नेता हैं वहाँ के, लोकली आप सबको जानते हैं, तो सरकार को एक्विजिशन में दिक्कत होती है, तो वो कैसे सॉल्व होगा क्योंकि आप लोकल एड हैं? ऐसा है, एक्विजिशन में दिक्कत नहीं होती। एक तो बात ये, अगर कोई सुविधा आपको दी जा रही है तो आपको कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन अब सरकार ने कर दिया, जो आपका सर्किल रेट है उसका 4 गुना रेट देते हैं, किसानों को अच्छा रेट मिलता है। आज आप धन्यवाद करने पहुंचे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद, कितने लगभग ग्रामीण इलाकों के किसान आपके साथ पहुंचे हैं? नहीं, ये पूरा क्षेत्र जहाँ जहाँ से नहर निकल रही है, जबरेड़ा से लेकर इधर धनोरी साइड से और जसोवाला होती हुई उधर गई है ये, तो सब जगह के लोग आए, बिंदु तक के, लास्ट तक के, जहाँ ये उत्तराखंड में जा तक रहेगी वहाँ के पूरे लोग साथ में आया और वो अपने मन से धन्यवाद देने आए। नहीं, ये महसूस करने वाली बात तो है नहीं, ये तो हमारी एक जरूरत की बात है उस क्षेत्र की। सलाहकार था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो तब हम लोगों के संज्ञान में ये प्रोजेक्ट आया, तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। साहब की हम इसे संज्ञान में लेके आए, सुभाष जी ने इसमें और प्रयास किया। सुभाष जी ने ही वैसे तो इसे याद दिलाया था कि इस तरह की एक परियोजना, इस योजना को लागू करवाए, तो लगभग आप ये समझिए कि हमारे उत्तराखंड और यूपी में आपका नागल है, बलियाखेड़ी है, दो उधर के ब्लॉक आ जाते हैं, हमारे तीन हो जाते हैं, बादाबाद है, रुड़की है, भगवानपुर है, और इनमें अगर आप देखें तो ये लगभग जो 75 किलोमीटर के लगभग की नहर बनेगी जो भी योजना आएगी उसमें निकल के, और ये हमारा जो एरिया है ये ग्रे एरिया हम बोलते हैं इसे, कि पानी का जो वाटर टेबल वो इतने नीचे चला गया है कि लोग अगले दिनों में और भी नीचे तक के बोरिंग करने पड़ेंगे।
तो उसके लिए बहुत अच्छी एक योजना है और किसानों को तो लाभ होगा। आपने ड्राफ्ट किसका तैयार किया है? ड्राफ्ट मैंने हाँ ड्राफ्ट तो हमने साहब उसमें है या फिर ठीक है? हाँ बहुत अच्छा ड्राफ्ट है जो पहले ही बनाया गया था और अभी जो उसे दिया गया है योगी जी को, ये वही ड्राफ्ट है। इसे अब हम केंद्र में भी लेके जाएंगे। देखो जो वहाँ पे पब्लिक जैसे बताएगी, जैसी समस्याएं निकल के आएंगी, अब तो समस्याओं से जुड़े ही रहना है सांसद जी को। हाँ लेकर आप क्या सोचते हैं भाई? उनकी समाधान होना चाहिए। बोले अगर किसान सुखी नहीं रहेगा तो कैसे तो सरकारें सुखी रहेंगी और कैसे हमारा समाज सुखी रहेगा? उन्हें तो सुखी रखना बहुत जरूरी है। आज उनके आवास पर आप देहरादून पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार किसानों के हित में काम करते आ रहे हैं और पहले जो किसानों का जो बकाया था उसके लिए ऋण भी दिलवाया और किसानों की आवाज भी उठाते आ रहे हैं और आज ये नहर योजना को लेकर इन्होंने काम जो कराया यूपी सरकार से मिलकर, इसके लिए? त्रिवेंद्र जी किसान हितैषी हैं, सब किसानों के फेवर के काम करते हैं। ठीक है। पहले इकबालपुर मिल चलवाया, अब नहर निकलवा दी। ठीक है। तो किसान को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए पानी। अच्छा। चूंकि बिजली वाले तो लूट रहे, फिर फ्री का पानी हो जाएगा, बिल देने तो पीछा छूट जाएगा अगर हुआ तो। अगर तो किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ भी तो बैठे हैं, उसके लिए भी काम करेगी हमारी सरकार आपकी? भाई वो तो सरकार तो पूछो मत, को सरकार थोड़ा ही है। अच्छा। तो उसके लिए काम कर रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी आप? हाँ त्रिवेंद्र जी लड़ रहे हैं भाई। अच्छा। ये लड़ते हैं? ये तो लड़ो, कतई भी नहीं लगने चाहिए, जो लग रहे हैं वो उतर जाने चाहिए। सांसद जी से कही आपने बात? कह देंगे, जब हम यहाँ कह रहे तो सांसद जी को तुम बताइयो, यूँ कह रहे थे। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से धन्यवाद आप लोग ज्ञापित कर रहे हैं, लग रहा है आपको कि भाई टाइम पे योजना पूरी हो जाएगी और किसानों के लिए फायदेमंद होगी? इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो भी योजनाएं हैं उनका जो निस्तारण है या निष्पादन है वो बहुत ही त्वरित गति से होता है। और अगर हम ये बात याद करें कि हमारे क्षेत्र में पिछले कितने वर्षों में कोई ऐसी घटना घटी है जो जमीनी तौर पर किसानों के लिए लाभदायक हो, तो उनमें से एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि इकबालपुर के क्षेत्र में अभी तक नहर की मांग बहुत लंबे समय से लंबित थी और उसके लिए समन्वय करना उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी था, तो वो होके हो गया है। तो निस्तारण, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये योजना जमीन हकीकत के रूप में आपको दिखाई देगी। और इससे जो हमारा क्षेत्र है, आप अगर देखें तो वेस्टर्न यूपी का जो पूरा क्षेत्र था ये गंगा जमुना का दुआब माना जाता था और यहाँ की उन्नतशीलता प्रोस्पेरिटी इसी पानी और इसी खेती के कारण थी, तो उसके लिए एक नया आयाम स्थापित होगा और क्षेत्र की उर्वरकता या हरियाली और खेती में और सहायता होगी किसानों के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें कोई दोराय नहीं है। इरीगेशन के जितने माध्यम उन्नत होंगे, क्योंकि सबसे लो कॉस्ट इरीगेशन अगर हम माने तो नहर के माध्यम से ही होता है, तो इसलिए